हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है विमला पंती ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। हम भी सब अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग में 9:30 बजे ही, रोज हमारा 9:30 बजे ही ब्लॉग शुरू हो पा रहा है, क्योंकि ये लोग भी अभी उठे हैं। फिर मैंने सफाई की है, उसके बाद चाय तो जरूर मेरी हो चुकी है। हम लोगों ने तीन जनों ने चाय ले ली, पापा ने, मैंने और इन्हें। इन लोगों ने ब्रश कर लिया, अब ये लोग नहाने जा रहे हैं और मैं नाश्ता बना दूँ। यहाँ आए हैं बाजार से सब्जी, देखते हैं क्या क्या लेकर आए। मेथी की भाजी, मूली, पली, टमाटर, मुरवाइती। देखते हैं, मेथी की भाजी बनाएंगे और जब फली बनाएंगे तो फिर हम आपको भी बताएंगे। अभी फिलहाल मैं बना रही हूँ खाना, थोड़ा सा आटे की रोटी बना ली, अब और बनाऊंगी पूरा। और ये लोग नहाने की तैयारी में हैं, जे बैठी हुई हैं नहाने के लिए, मुंह फुला है क्योंकि हमने इन्हें बातें सुना दी हैं, थोड़ी बहुत प्रवचन दे दिए हैं अपने, और वो प्रवचन सुन के थोड़ी गंभीर हो गई हैं। उन प्रवचनों को थोड़ा सीरियसली ले लिया है इन्होंने। ये नहा लिए इन्होंने तो भैया, ठंड लगी आई, ठंड लगी आई। अच्छी लेवल लेवल के नहाए, सर भी पूरा साफ कर लिया मैंने, सर ने बहुत सारे समझाया, साफ कर लिया पूरा साल छल, एक भी धुआं नहीं बचा। भैया तुम कितने साल के हो गए? हम हैं 8 साल के। 8 साल के नहीं, 8 साल के। अरे अरे अरे, इनसे करवा लो एक। 8 साल के। रा को ला बोलता है और धीरे धीरे कभी कभी सही भी बोल देते हैं। तो ठीक है, फिलहाल मैं बना लेती हूँ खाना, फिर रेडी करती हूँ। ये लोग भी तैयार होते हैं। ब्लाउज मैंने काट के रख दिया था, थोड़ी सी सिलाई की थी हल्की सी, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जैसा जैसा ये टाइम मिलेगा मुझे वैसा वैसे मैं सिलूंगी। खाना बन चुका है, मैंने आज आलू मेथी बनाई है, आलू मेथी और चटनी है, मैं चटनी लूंगी। अभी प्लेट मंगवाई है मैंने, इन्होंने खाना ही खा रही है, हलवा खा रही है, हलवा खा रहे हैं। हम दादी लाएंगे, हमने हलवा चेक ही नहीं किया कैसा है। क्यों? हम अच्छा नहीं लगता। फिर हमने खाया, एक हलवा अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। हाँ, कौन सा? अशोक मामा का। अशोक मामा का हलवा? अशोक मामा का हलवा? अशोक मामा का हलवा किस किस के बना रहे हैं? क्या अशोक मामा? अशोक मामा बनाते ना वो वाला गाजर का हलवा। हाँ, और अशोक मामा का गाजर का हलवा और खीर, बहुत मजेदार है ना, बहुत ही अच्छी लगती। मम्मी के हाथ से ज्यादा अच्छी लगती है, सही सही कह रही हूँ। बहुत अच्छी बनाते हैं, उसमें डालता है मावा, मावा डाल के बनाते हैं। हल्सू के बर्थडे पे बहुत सारी चीजें बनाएंगे मामा ने। जन्मदिन स्पेशली मामा ही बनाते हैं, वो केक हर कोई काटता है, लेकिन हमारे हर्षु के जन्मदिन पे उसके मामा स्पेशली कुछ न कुछ बनाते हैं, बाकी किसी के जन्मदिन पे नहीं बनाते। और हाँ, कभी किसी के जन्मदिन पे नहीं बनाते। तो फिलहाल मैं खाती हूँ खाना, फिलहाल मैं बना लेती हूँ खाना। एक बार लावण्य के जन्मदिन पे भी गाजर का हलवा बना के लेकर लाए थे, भोपाल से लेकर आए थे। फिलहाल तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पर वो मामा ने नहीं, मौसी। तो मैं अभी खाना वाना खा के रेडी हो चुकी थी, अब मैं अपने ब्लाउज जो कल काटा था उसे सिल रही हूँ। लेकिन अभी मैं देखती हूँ मैं कितना सिल पाती हूँ, क्योंकि एक ही बार में मैं जब बैठती हूँ तो सिल लेती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़े काम की वजह से थकान ज्यादा हो चुकी है मुझे, तो इस वजह से मैं देखती हूँ, हो सका तो पूरा भी सिल सकती हूँ और नहीं तो कितना सिल पाती हूँ वो मुझे पता नहीं है, मगर कोशिश पूरी करूंगी। फिलहाल तो मैं ये कुछ गेम्स की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपने ब्लाउज की तैयारी कर रही हूँ, तो बस सिलती हूँ। सिलाई करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ, चीज बताना चाहती हूँ। मैं, हमारी दीदी है साथ में, हम लोग हैं, फ्रेंड भी हैं मतलब, तो उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है कंगन, तो मुझे बहुत पसंद आया ये कंगन, और इसमें की साड़ियाँ भी हैं मेरे पास 2-3 ग्रीन कलर की, तो मैं कभी कुछ कार्यक्रम होगा तब पहनूंगी। अभी ये बहुत अच्छी लग रही है, उनको मैं रख देती हूँ, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, थैंक यू दीदी। और वो भी मेरे ब्लॉग देखती हैं, और अभी फिलहाल देखते हैं अभी इनके कितना गेम आगे बढ़ा। अरे भाई क्या चल, 1 2 3 रेडी।
अभी हाल तो बोला रेडी, अभी हाल ही बोला था। ये कितने हैं? ये दो हैं, ये दस हैं, और ये, अरे बता ना भाई, भाई ये ऐसे नहीं बता, कितने? ये लग पता नहीं, घर ही घर में मस्ती कर रहे हैं। दस अब यहाँ पे खड़ा करो। पकड़ा है, आवाज आ रही थी मुझे, आवाज आ रही थी। लावण्य का नंबर यहाँ पे था। चलो मेरी पट्टी तो बांध दे, पट्टी बांध दे भैया। लाला कितनी सुंदर बेईमानी चल रही है लावण्य, बेईमानी। क्या कर रहा है यार, सुस खिंचवा ले ना आधा, रुक जा, पूरे बाल नोच डाले हैं। चल सही से पक लिए ना? हाँ हाँ, हल्सू इधर सही से पकड़, खींच खींच तो कस के, हल्सू खींच, अरे खींच ना, अरे अरे खींचा क्या कर रहा है, पूरा बाल नोच डाले। इससे अच्छा मैं खुद ही बांध लूं, वो ही अच्छा बन जाए। खेल रहे हैं गेम और मैं अपना ब्लाउज सिल रही हूँ, तो उसमें हो रही तो डिस्टर्ब। फिटिंग कहाँ से हो रही है, अभी तो मैं सिलाई नहीं है, अभी तो मैंने थोड़ा ही काम कर पाई हूँ तो तुम्हारे पे दम नहीं आया है ना। चलो ये कितने हैं? रुको, ये कितने हैं? दस। ये कितने हैं? पांच। ये कितने हैं? चार। ये कितने हैं? तीन। ये कितने हैं? ठेंग आगे घुमा कोई जाती है। यहाँ पे कौन अड़ रहा था? यहाँ पे ये क्या रहा था, इसकी आवाज आ रही थी मुझे। चलो देखो यहाँ पे अलजू तो आज मैं पकड़ने आ रहा था, हंस वाला को भाग गया था जी जी की ऐसा रहती थी, पर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे देख, मैं खुद ही कर रहा है। चल बांध जी जी, ये बांध ससुर लगे ब्रेक लेके जा रहा है। मैं तो बैठ जाती हूँ, आप लोग गेम खेलो, सिलाई मेरी अधूरी है, देखिए आप लोग। ये
इन्होंने गेम चालू कर दिया। पकड़ लिया लबो भैया, मुझे ब्लाउज सिलन दो रे, तुम्हारा खेल बंद करो। मैं अपना काम कर लेती हूँ, बहुत रात ज्यादा हो जाएगी तो फिर मैं सिलाई भी नहीं कर पाऊंगी, इनकी मस्ती बंद होगी नहीं। और तो ये लोग खेल रहे हैं, मैं अपना काम कर लेती हूँ। रेस्ट कर लो, थक गए होगे। नहीं नहीं तो मुझे वैसे ही आज कम टाइम था, तो मैंने कम टाइम में जितना मेरी सिलाई हुई उतनी मैंने कर ली है। ब्लाउज की डिजाइन डाली है मैंने, अभी तो उसको फुल बनाना है। अभी मैंने आपको ब्लाउज की डिजाइन बताई थी अधूरी, अब मैं आपको फुल डिजाइन बताती हूँ। मैंने पूरा ब्लाउज सिल लिया है, मैंने ब्लाउज तैयार कर लिया है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है, आप भी बताइएगा कैसा लगा। इसमें डिजाइन पूरी डाल ली, ये झूमर भी लटका लिए, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं गोल्डन पे, और मोती वाला वर्क लगाया है, ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो ये ब्लाउज अच्छा बना है। इसे मैंने गोलाई नहीं दिए, इसे मैंने थोड़ा इधर से यूं करके तिरछा कर दिया है यूं करके, क्योंकि मैं कुछ और बनाना चाह रही थी। बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। कर लिए मैंने ब्लाउज तैयार, मैंने खाना परस लिया है। ये इन्हें सबर ही नहीं हो रही भैया, खाना तो बता लें। मैं सिर्फ ओनली चावल भगा रहे हैं, बस और कुछ नहीं, बस चावल खाएंगे। तुम सपने तो कहा था कि चावल बना लो, टेस्ट करके बताते बेटा। मैं तो अच्छे ही बनाती हूँ, बहुत दिनों बनाती तो हो ही अच्छे। नींद अच्छी आ रही है। हाँ नींद अच्छी आ रही है। क्यों चावल खा के? चावल थकान भी तो कितनी हो गई कि मस्ती करते। कौन से काम से आ गया? आज इन्होंने एक बहुत बड़ा महान काम करा, खेलने की दुकान। तुमने महान क्या काम करा? दद्दा को वॉशरूम लेके चले गए हैं, है ना? दद्दा की मदद करी है ना? हमारे दोनों बाहर थे और हमारे पापा जी को वॉशरूम जाना था, तो हमारे तनिष ने उनकी बहुत मदद की है, उनको बाथरूम में ले गया, उनको फ्रेश करवाया, उनकी बहुत सारा काम करा है, अंडरवियर तक ऊपर डाल के आया उनकी। धोके वो भी सोचो जरा, हम लोग को पता ही नहीं चला। नहीं थोड़ी सी काम मेरा भी लगा था, मोटल जाल एक बार। हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने, फिर पापा भी बोल रहा है कि तनिष ने मेरी बहुत मदद की। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने कहकर रखा है कि दद्दा को जरूरत हो ना वो कर दिया करो। तो बच्चे आज अभी बचपन से ही अपन सिखाएंगे बड़ों की मदद करना, तो आगे चल के हम भी तो बुढ़े होंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो ये हमारी मदद करेंगे। तो बस बच्चों को सबकी मदद ही करना चाहिए, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, सबको एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए। और रात ज्यादा हो गई है बाकी, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा,
और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।